बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे क्यों हम स्टडी करते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका बहुत बड़ा नंबर है। तो एक लार्ज नंबर क्यों एग्जिस्टेंस करता है, क्यों इनका इतना ज़्यादा होता है, यानी हम बताऊंगे कि जो रीजन है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस क्या है, क्यों इतने ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उसका फर्स्ट जो रीज़न है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन, ठीक है बच्चों। कैटेनेशन क्या होता है, आप देखोगे कि कोई भी अगर एलिमेंट है और उसके एटम आपस में लिंक्ड होते हैं, स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो कैटिनेशन क्या होता है, अगर कार्बन के जो एटम्स हैं आप देख रहे, कार्बन कार्बन से अटैच होता जा रहा, चाहे वो एक स्ट्रेट चेन हो चाहे वो एक ब्रांच चेन हो, और किस बॉन्ड से आपस में अटैच हैं बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड। जो कि स्टेबल होता है, ठीक है। तो कैटिनेशन है क्या, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद वन अनादर बाय स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये हमने बताया स्टेबल, स्टेबल कोवलेंट के द्वारा कोई भी जो एलिमेंट्स है उसके एटम्स आपस में क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं एक दूसरे से, और क्या करेंगे बच्चों, बॉन्ड्स टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो हमने बताया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जैसे यहाँ कार्बन के हैं, वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड जो कि स्टेबल होता है उसके द्वारा लिंक्ड हो के, या तो स्ट्रेट चेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती, या फिर ब्रांच चेन जैसे आप यहाँ देख रहे, मैं इधर बता दूंगा आपको CH3, जैसे इसके एग्जाम्पल के जरिए इस तरीके से एक ब्रांच चेन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक, या फिर एक रिंग फॉर्म करते हैं, जैसे आप बेंजीन रिंग को देखते हो, ये इसमें इस तरीके से एक रिंग फॉर्म करते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी जिसमें स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या रिंग फॉर्म होती है, वो एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। असल में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन ही क्यों सबसे ज्यादा शो करता है, उसका जो मेन रीजन है, उसका मेन रीजन है इसकी स्ट्रेंथ बॉन्ड की। जो कार्बन और कार्बन है इसमें 348, 348 जूल इसकी जो एनर्जी होती है, आई बात समझ में बच्चों, किलो जूल, 348 किलो जूल, थोड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसकी बॉन्ड एनर्जी, जो हमने आपको बताया भी है पहले, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है किलो जूल पर मोल, 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इसे तोड़ने के लिए। तो देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी की इसे रिक्वायरमेंट होती है तोड़ने के लिए। इसके बाद अगर सिलिकॉन की देखो 226 होती है, तो वो तो इससे कम है, तो उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उससे कम होती है। अगर फिर नाइट्रोजन की देखो तो उसमें से 163 होती है। तो आप इस तरीके से देख रहे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है, और इसका रीजन इसका स्मॉल साइज होना भी है, स्मॉल साइज, ठीक, स्मॉल साइज, और इसकी स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की, जो 348 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होती है। आई बात समझ में बच्चों, आप देख लो। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन में 226 जो कि इसके मुकाबले रिलेटिवली बहुत कम है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इस वजह से शो करता है क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज होता है, और ये स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड जिसकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी 348 किलो जूल एक मोल के लिए है बच्चों, ये सिर्फ, ठीक है। और दूसरा एक रीजन है इसके फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, होते हैं नहीं। तो आप ये देखो, अगर किसी का एक हाथ है तो वो काम कर सकता है, दो हाथ है तो उससे डबल कर सकता है, तीन है तो तीन, मतलब जितने अगर चार साइड में उसके वो बॉन्ड या हाथ मौजूद है, आप देखते हो जैसे बहुत से देवी देवताओं को देखते हो कि कई सारे हाथ होते हैं और वो कई सारी चीजें उठाए रखते हैं, तो इसी तरीके से इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार साइड में वो क्या कर सके, रिलेशन कर सकता है अदर एटम्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो कैटिनेशन क्या है, एक प्रकार से स्ट्रेट ब्रांच या फिर रिंग फॉर्म करना, और वो इसके स्मॉल साइज की वजह से होता है। और दूसरा टेट्रावैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सको, एक ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। आप देखते होंगे कि जो कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड भी वो बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी वो बना सकता है, डबल बॉन्ड भी वो बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड अभी हमने बताया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो तीन तरह के बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, ठीक। तो जब तीन तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके या ज्यादा से ज्यादा एटम, जैसे ऑक्सीजन के साथ ही देख लो, डबल बॉन्ड अगर ना फॉर्म कर सकता तो कैसे अटैच होता। नाइट्रोजन के साथ देख लो, अगर ट्रिपल बॉन्ड ना फॉर्म कर सकता तो नाइट्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बना पाता। तो ये इसकी क्वालिटी है, और ये स्मॉल साइज और टेट्रावैलेंसी की वजह से इसके पॉसिबल हो पाता है, मल्टीपल बॉन्ड है इसी वजह से। आप देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम के साथ भी ये क्या कर सके, शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो दूसरा रीजन क्या हो गया बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड रीजन क्या है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आप कार्बन को देखो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बतावें तो इसमें दो और इसमें चार होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, 1s2, 2s2, 2p2, तो ये तो स्टेबल है, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, और ये एक्साइटेड स्टेट है। इसमें क्या हो जाओ, 1s2, अगर हम इसे अभी खोल कर लिखें, 2px1, 2py1 और 2pz0, इसमें कोई नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, एक्साइटेड होने की वजह से एस में से एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जा, तो ये कंडीशन बचे है फिर इसकी। एक एस में रह गया, तो आप देख लो टोटल कितने हो गए, 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं हो गया एक्साइटेड स्टेट में। तो यही रीजन है कि जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यही शेयरिंग करते हैं सबके साथ, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की। एक आइसोमेरिज में है थर्ड रीजन, आप सोच रहे हो, हालांकि आइसोमेरिज आपने 10th में भी पढ़ा, आप इसमें भी पढ़ोगे 11th में और 12th में भी पढ़ोगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, दो या ज्यादा भी हो सके कंपाउंड है, जैसे C4H10 ही है ब्यूटेन, एक मोलिकुलर फॉर्मूला एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर सके, इनका केमिकली जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, या फिर स्पेसमैन जो इनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सके। तो देखो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला एक से ज्यादा क्या बना सके, स्ट्रक्चर बना सके। यहाँ देख लो CH3, CH, लेकिन अगर मैं यहाँ C5H12 कर दूं, पेंटेन कर दूं, तो और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगी। ऐसे ही आइसोमर्स इनके बढ़ते चले जाएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या दे है, डिफरेंट है। तो देखो इसमें CH2, CH3 हो गया, नहीं डिफरेंट हो गया, नहीं बच्चों।
अब आप देख लो इसकी स्ट्रक्चर, ये भी बन सका है CH3, ये भी बन सके है, स्ट्रेट चेन भी हो सके है। तो ये भी रीजन है एक इतने सारे कंपाउंड होने का कि भाई एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला इतनी सारी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो आपने देखा कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्ड और आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से हम सेपरेट टॉपिक आपको धीरे 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 आसान से हार्ड की ओर ले जाएंगे, ठीक है। और सारे टॉपिक सेपरेटली हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि एक साथ आपको हम बहुत सारे टॉपिक देने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।